हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं मैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम HBL पावर सिस्टम्स कंपनी के शेयर के बारे में। लगभग दोस्तों पिछले 5 डे में स्टॉक लगभग 150 रुपये के आसपास के आपको शेयर में गिरावट आपको देखने मिल रही, मतलब एक काफ़ी बड़ी बात है। अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है कि स्टॉक दोस्तों पिछले 5 डे में 150 पॉइंट के आसपास के आपको गिरावट देखने को मिल चुकी है। अब क्या करना चाहिए, क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही है नहीं है, क्या होल्ड करने की सलाह है या नहीं है, सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम। लेकिन एक बात बोल दोस्तों कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। फिलहाल आज आपको 40 रुपये के आसपास के आपको शेयर में गिरावट आपको देखने को मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको 40 रुपये के आसपास की एक दिन में गिरावट आपको देखने को मिल रही है लोअर सर्किट। अब एक तो बात कन्फर्म हो गई दोस्तों कि अगर मार्केट क्रेश होता है और गिरावट होती है आपको मार्केट में, तो आपको शेयर हो सकता है कि आने वाले टाइम में 300 रुपये, 200 रुपये, 250, 300 रुपये के आसपास की प्राइस भी टच कर सकता है। फिलहाल होल्ड करने की सलाह है, जो भी लॉस हो रहा है आपका वो लॉस से शेयर मुझे रिकवर करवा देगा। अभी फिलहाल मार्केट में एक बात तो कन्फर्म है कि और स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिलेगी और मार्केट में और गिरावट की संभावना आपको देखने को मिल रही है।